गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, हमने फ्रैक्शंस चैप्टर को खत्म कर दिया। अब हम एक नया चैप्टर ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, इसकी चर्चा करेंगे और हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ये ऑपरेशंस क्या है? जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन्स, दीज आर सच ए कॉमन फंडामेंटल ऑपरेशंस। ओके, तो उससे पहले हम पिछले कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स को पढ़ लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो अ फ्रैक्शन सोच सम इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल और सम इक्वल ग्रुप्स ऑफ ए कलेक्शन। फ्रैक्शंस क्या होता है कि वो फ्रैक्शंस का डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, आप रिकॉल कीजिए कि पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ ए होल। मैंने एक बड़ा डब्बा बनाया था, उसमें चार उसको चार टुकड़ा किया था, फिर डब्बा को कलर किया था या नोट को कलर किया था। ठीक है, तो जो कलर्ड पार्ट है उसको उसको मैंने न्यूमरेटर में लिखा ऊपर में, और जो अनकलर्ड पार्ट टोटल जो टोटल पार्ट कितने मैंने किया था उसको नीचे में। ठीक है, तो मैंने उसे बताया कि ये फ्रैक्शंस में सो चले। इन आर फ्रैक्शंस द अपर नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शंस में दो पार्ट होते हैं, तो ये न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एन फॉर न्यूमरेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है, डी आर। चलिए अब आते हैं द यूनिट फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हैविंग वन एज द न्यूमरेटर। यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर वन, वन बाई थ्री है, वन बाई फोर है, वन बाई सेवन है, इस तरीके के जितने भी फ्रैक्शन है आपको क्या यूनिट फ्रैक्शंस कहे जाएंगे। अब है कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। द लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे 3/4, 5/4, 7/4, 8/4, ठीक है। अब दूसरा अनलाइक फ्रैक्शंस जिसमें आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो इसके डिनोमिनेटर जो है जो सेम नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला लाइक फ्रैक्शन और नीचे वाला अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब आ रहा एडिशन ऑफ ए मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो मिक्स्ड नंबर क्या हुआ, जैसे 2 इंटीजर 1/2, 3 इंटीजर 1/3, 4 इंटीजर 1/4, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर जो होल नंबर के साथ मिक्स्ड, होल नंबर के साथ जब फ्रैक्शन ऐड है तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। ठीक है, जैसे 2 + 1/2 = 4 + 1/2 मीन्स 5/2, इसका वैल्यू कितना हो गया, ये देखिए 5/2 है, ये 10/3 है, ये 17/4 है, तो ये है क्या, एक्चुअल में है क्या, ये 5/2 को लिख सकते हैं 2 + 1/2, 2.5, 2.5 है ना, 3 1/3, 4 1/4, तो ये हुआ जो क्या है, ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन, तो होल नंबर को फ्रैक्शन से मिला दिया तो क्या बन गया, मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। चलिए अब हमें इन्हीं नंबर्स का एडिशंस करना है। ठीक है, तो एडिशंस करना है, उससे पहले कुछ और बातें हम जान लेते हैं कि और क्या हमें याद रखना है। चलो ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है 1 से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब क्या, तो अगर मैं 6/5 लिखूँ तो ये 1 इंटीजर 1/5 कहा जाएगा, मतलब 1 + 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/5। ठीक है, आगे मैं देखाऊंगा एडिशन में किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है 6/5, ये क्या है 1 से ज़्यादा देखते हैं, तो इसे क्या बोल दिया गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिसका वैल्यू 0 से लेके, ठीक है, 1 के बीच में रहता है, वैसे फ्रैक्शन या वैसे p/q, ठीक है, जिसका वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहता है वो क्या कहलाएगा, वो ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टूडेंट ये कंफ्यूज नहीं होना, ये साइन है 0 से 1 के बीच का। ठीक है, p/q लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू लेस देन -1, सॉरी
जीरो लेस देन इक्वल टू पी बाई क्यू लेस देन वन, इस तरीके से पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, या जीरो से वन के सीधे सीधे, जीरो से वन के बीच में है जो प्रॉपर है और वन से जो बड़ा है वो इजी प्रॉपर है, याद रखना। चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर टू और मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल, सेम पार्ट ऑफ ए होल को रिप्रेजेंट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। जैसे 3/5 इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 6/10 और क्या लिख सकते हैं 12/20। तो ये सब जो नंबर है ये क्या है, 3/5 का इक्विवेलेंट है, तो सेम ही चीज को शो कर रहा है। ठीक है, आप इसका अगर आप चाहोगे तो इसका डेसिमल वैल्यू निकाल के देखो तो सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इक्विवेलेंट है, 3/5 का इक्विवेलेंट कौन है, 6/10 और 12/20, वैसे 12/20 6/10 का भी इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट मतलब होता है समकक्ष, जैसे अगर हम इसे चाहें 2 3 6 5 2 10 अगेन वी कैन राइट इट 3/5, इसको भी 3 4 12 5 4 20, तो इसको 3/5 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना। अ फ्रैक्शन इज द इट्स लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कोप्राइम, जैसे ये 3/5 है, आपने देखा 6/10 और 12/20 भी मैंने लिखा था, तो ये 3/5 है, तो कहता है कि ये अपने लोएस्ट फॉर्म में रहता है जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये 3 और 5 को प्राइम हो जाए, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम हो जाए। तो ये को प्राइम जब हो जाता है इसका मतलब क्या है कि 3 से 5 को डिवाइड करो 3 से 3 1 3 2 2 1 2 और 1 1 1 2 2। तो जो एस सी एफ है, एस सी एफ कितना आ गया, एस सी एफ इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, जब एस सी एफ 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि 3 और 5 को प्राइम, इसका मतलब है कि 3 और 5 का एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। आप देखना 3 को 3 का फैक्टर प्राइम करने का है 1 और 3, ठीक है, 1 का लगे प्राइम आया नहीं, लेकिन हम फैक्टर मानेंगे 3 का फैक्टर कौन होगा 1 और 3 और 5 का फैक्टर कौन होगा 1 और 5। ठीक है, तो इसमें कॉमन कौन है, सिर्फ ये, तो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दोनों का नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 3 और 5 क्या है, को प्राइम। चलो ठीक है, चलिए टू कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और व्हेन टू लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन हैज अ ग्रेटर नंबर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट इट्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर को प्राइम। अब कहती है बात है कि अब कहा जा रहा है क्या कि अगर किसी का डिनोमिनेटर, किसी दो नंबर का डिनोमिनेटर सेम है दो फ्रैक्शंस का, ठीक है, तो एक का न्यूमरेटर 7 है दूसरा का न्यूमरेटर 10, तो इस दोनों में बड़ा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा होगा। ठीक है, अब दूसरा लेते उदाहरण 7/6 और 12/6, इसमें इन दोनों में कौन बड़ा है, बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा, और वैसे भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़ा और छोटा का ज्ञान दिया था। ठीक है, आप उसको देख लेंगे और वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, टू कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस बी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे 3/5 बड़ा या 3/9 कौन बड़ा, तो इसमें हम कंफ्यूज ना हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या करेंगे, 3 × 9 और 5 × 3, ठीक है, 3 × 9 = 27, 5 × 3 = 50। ठीक है, ये जो बॉक्स खाली है बीच में मैंने खाली छोड़ा है, तो ये जानने के लिए छोड़ा है कि ये 27 बड़ा है या 50, 27 बड़ा है तो वो ये 27 क्या हो गया, 27 बड़ा हो गया। चलो ठीक है, अब क्या करो 27 में दोनों तरफ 9 और 5 दोनों से डिवाइड करो तो देखो क्या पाओगे। ठीक है, 9 और 5 दोनों से डिवाइड करो, या फिर वापस तुम इसको लिख सकते हो 9 से डिवाइड करने के बाद क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो 9 3 27, ठीक है, और 3 3 9 5 5, ठीक है, तो ये क्या हो गया
ये 3 greater than 5 by 3, ठीक है। अब मैं 5 से divide करूँगा दोनों तरफ, ठीक है, और 3 से मैं ठीक है 3 से 5 से मैंने डिवाइड किया, चलो देख लो 5 से डिवाइड किया, चलो ठीक है, तो ये 3/5 ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। अब 1/3 को हम 3/9 को क्या लिख सकते हैं, 3×9 इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो इसको 1/3 या क्या करो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आप क्या पाओगे, ये पाओगे 3/5 ग्रेटर देन 3/9, चलो कुछ भी गलत नहीं किया, सब सही। चलो आगे बढ़े, अब हम जो चैप्टर 5 में बात कर रहे हैं ऑपरेशंस की, तो हम कुछ ऑपरेशंस करके दिखाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन की बात है तो हम एडिशन करके देखते हैं। तो एडिशन है किस किस नंबर में, पहला है लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे होगा, तो कुछ नहीं, जैसे ऊपर में दिया हुआ है 3/4 प्लस 5/4 प्लस 7/4 प्लस 8/4, ठीक है। इसको ऐड करने का तरीका ये है कि आप सीधे सीधे जो दिख रहा है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है सर सभी का डिनोमिनेटर सेम है, आप ज्यादा सभी का ऐसे हम लोग, तो आपके पास 4, 4, 4, 4, ठीक है। अब ऐसे हम लेंगे 4×1, 1, 1, 1, 1, एलसीएम कितना है 4 है, या जब भी देखो कि दो या दो से अधिक लाइक फ्रैक्शंस है तो आप सीधे सीधे कुछ ज्यादा कुछ मत सोचो, नीचे में डिनोमिनेटर में और लिखो, उसके बाद ऐड करना शुरू कर दो आठ बंद की करके, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया 5+3, आप बोल करके इसका मतलब क्या है, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। 3+5 8+8 16+7 23, तो ये क्या हो गया 23/4, चलिए ठीक है। आप एलसीएम लिए तो भी चूंकि सबका डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम भी 4 ही है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन चेंज होता है कि अब ये जो एडिशन है वो अनलाइक फ्रैक्शंस में करना है, तब क्या करना हो, सेम थिंग्स अप्लाई, सेम थिंग्स, ठीक है। 1/2 + 2/3 + 3/4 + 4/5, बहुत अजीब है करके देखो, हम तो पहले कर दी तो अच्छी बात, 2, 3, 4, 5 या 2×1 = 2, 3, 2, 5, ठीक है। अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने जा रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 2×3 × 2×5, अगर मैं कभी डालना चाहते तो डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, 2×1 × 2×3 × 2×5 = 2, 2×3 = 6, 2×12 = 5×16 = 16, ठीक है। अब क्या करें, ये 60 एलसीएम आ गया, ठीक है, तो 60 एलसीएम आ गया तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो डिनोमिनेटर में 60 लिख देंगे। अब क्या करो, ये 2 से 60 में 60 को 2 से डिवाइड करो तो 32 × 60, तो क्या करना है, अब 60 को 2 से डिवाइड करो तो 2×3 = 6, 0, ठीक है, और ये 0, 0, तो 30, ये जो 30 आया इसको क्या करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 30 × 1 = 3, 23 जो कितना होता है 60 होता है, जैसा तो 2×20, ठीक है, 4×15 = 60, तो 3×50, चलिए अरे 12, 5 + 60, इसलिए 4×2 है, बिल्कुल सेम थिंग्स है,
चलो ठीक है, थ्री ठीक है, अब लिखे 30 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 48 अपॉन 60। चलिए ठीक है, अब ऐड कर देना, सिंपल है। ठीक है, ऐड करें 1, 2, 3, 4 160 हो गया। ठीक है, 160 हो गया, ये 163 अपॉन 60। कैसे मैंने किया देखो, 8 और 5 कितना हुआ 13, ऐसे एक 10 निकला, 10 दिया मैंने 30 को, कितना हुआ 40, 40, 40, 40, 40, 1, 2, 3, 4 और मैं जानता हूँ 4, 4 जा 60, प्लस 3 ज़्यादा था, 163 अपॉन 60, तो यही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए, अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन बहुत आसान होता है, परेशान होने वाली बात नहीं है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखेंगे। अब एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है, जो होल उसके साथ जो फ्रैक्शंस आता है, तो जैसे 2 इंटीजर 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटीजर 1 अपॉन 3 प्लस 4 इंटीजर 1 अपॉन 4, इसको हम कैसे करें, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसको एडिशन करने का दो तरीका है, ठीक है, तो हम पहले तरीके में आते हैं, 2 इंटीजर 1 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे और उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इसी पे लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 अपॉन 4। चलिए ये कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 5 अपॉन 2 प्लस ये 10 अपॉन 3 प्लस 17 अपॉन 4। चलिए ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 का आप एलसीएम निकाल लो, 2, 3, 4 ठीक है, 2 1 2 3 2 2 4 3 2 6 2 12 ओके, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, हमारा जो एलसीएम है 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, अरे 2 एलसीएम क्या हो, LCM, क्योंकि मैं फास्ट इसलिए हूँ कि बचपन में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था और मुझे इसमें परेशान होता ही नहीं था और मैं सोचता हूँ मेरे स्टूडेंट को इसमें परेशान नहीं होगा, ये बहुत ईजी है। LCM को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसलिए मैं देखता हूँ, LCM भी नहीं सोचता हूँ, डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ और आपको भी चाहिए कि ये दिमाग में ही कर ले तो बेहतर है। ठीक है, तो अब 2 6 जा 12 2 6 जा 12 6 5 जा 30 समझ में आ रही है, अगर नहीं तो फिर मैं लिखता हूँ 3 4 जा 12 10 4 जा 10 मल्टीप्लाई बाय 4 4 3 जा 12 तो 17 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 3 ओके एंड 3 इज देन मल्टीप्लाई बाय 17 और 38 कैसे आएगा, 2 6 जा 12 और 6 5 जा 30 इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये वाला इसका जो इसको जो हम ऐड करें तो ऐड करेंगे तो 30 प्लस 40 प्लस 51 अपॉन 12 इक्वल। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 120 120 कैसे और प्लस 1 121 121 अपॉन 2 फिर बन जाए 10 इसको दिया 40 बना 41 40 40 121 हो गया ना, बस टेबल पढ़ रहे छोटा वाला चार का तो 121 अपॉन 12 यही हमारा आंसर है। तो हम अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अब 121 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, करें 12 बन जा 12 ये पूरा पूरा खत्म हो जाए, तो इसको जब नीचे लिखेंगे यहाँ पर 10 देना तो 10 वैसे भी जानो 12 10 जा 120 1 कैरी नीचे बचेगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, 12 10 जा 120 अब जानते हो
नीचे शेष रिमाइंडर बचा है वन। तो इसको लिखेंगे हम, इसको लिखने का तरीका है क्या, 12 तो क्या था डिनोमिनेटर में था, तो 12 आप नीचे लिखो बिना सोचे समझे, डरो मत, उसके बाद 10 यहाँ पे लिखो और 1 यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो हम 121/12 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटीजर 1/12, दिस इज द राइट आंसर और ये सही है। अगर आपको कुछ दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, समझ में कम आता है, तो आप हमें बता सकते हैं, आपका भी ऑनलाइन क्लास चलेगा। चले कुछ क्वेश्चन आप घर पे कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आसान है, आई थिंक यू विल डू इट। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। कुछ और प्रॉब्लम्स है इधर, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।